अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रेमेडीज विद हानम। व्यूअर्स, आज मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ये वीडियो शूट कर रही हूँ, जिसमें कि मैं आपसे जे डॉट से की हुई कपड़ों की शॉपिंग शेयर करूँगी। वीडियो के आखिर में हम करेंगे कुछ दिल की बातें, जो आज के ख़ास दिन पर मैं अपनी पाकिस्तान की तमाम माओं से ज़रूर करना चाहूँगी। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने तमाम ड्रेसेस ही स्टिच ड्रेसेस खरीदे हैं, क्योंकि पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट करने के लिए जे डॉट पर जो सेल लगाई गई थी, इस पर 23% तमाम प्रोडक्ट्स पर ऑफ था। तो जो मेरा फर्स्ट ड्रेस है, ये मस्टर्ड कलर का है। ड्रेस का कोड विद प्राइस आपको नज़र आ रही होगी। इसका ट्राउज़र पर ये लेस लगी हुई है और दुपट्टा लॉन का है और कैजुअल यूज़ के लिए बेस्ट कलर है। और सेकंड ड्रेस ब्लैक और ऑफ वाइट कलर का है और येलो कलर का बहुत खूबसूरत इसमें कंट्रास्ट दिया गया है। समर में ये मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है और इसकी स्लीव्स पर भी बहुत प्यारी और नीट लेस लगाई गई है और सामने फ्रंट पर भी काफ़ी बड़ा एम्ब्रॉयडर्ड पैच ऐड किया गया है, वो भी काफ़ी नीट तरीके से लगाया गया है। और ट्राउज़र पर इस तरह लेस लगाई गई है और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा है। प्राइसेस साथ साथ आपको नज़र आ रही होंगी। और थर्ड ड्रेस भी ब्लैक और ऑफ वाइट कलर का ही है और उस पर जो रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी और डिफरेंट डिटेल्स ऐड की गई हैं, बहुत खूबसूरत स्टिच किया गया है। सामने दामन में ये कट्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब ये डिज़ाइन टेलर्स कहाँ बना कर देते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्टिच ही ख़रीद लेती हूँ। स्लीव्स भी इसकी बहुत प्यारी बनी हुई हैं और इसके ट्राउज़र पर लेस लगी हुई है, वो भी प्यारी है। और फुल दुपट्टे के ऊपर प्रिंट है और दुपट्टा जो है वो लॉन का है और इन तमाम ड्रेसेस की लॉन जो है वो बहुत सॉफ्ट है। ये चौथा सूट भी ब्लैक कलर का ही है। मैं घर में ज़्यादातर डार्क कलर्स ही पसंद करती हूँ। ब्लैक कलर वैसे मेरा फेवरेट है और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा। और वैसे बाहर आने जाने के लिए जो है मैं लाइट कलर्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ। दामन पर ये बीड्स लगे हुए हैं और स्लीव्स पर भी लेस का खूबसूरत टच दिया गया है और साथ में लूज पांचे वाला ट्राउज़र है और इस पर भी लेस लगी हुई है। दुपट्टा इसका बहुत सॉफ्ट और लाइट वेट है, इसलिए उसकी साइड्स पर हैवी पैचेज ऐड किए गए हैं ताकि उसे मैनेज करना आसान हो। और ये एक खाली मैंने ट्राउज़र ही लिया था और इस पर भी बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो कुछ ज़्यादा ही हुई है, लेकिन उस वक्त मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। और ये फिफ्थ नंबर का ड्रेस भी ब्लैक ही है और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद एक और ब्लैक कलर में भी है। अच्छा, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो भी बहुत अच्छी है, स्लीव्स के ऊपर जो दी गई है और खूबसूरत डिटेल्स दी गई हैं। और इसका ट्राउज़र प्लेन है और दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा प्रिंट है उसका, रिफ्रेश गर्मियों के हिसाब से। और उसकी साइड्स पे, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट है, इसलिए उसके साइड्स पर हैवी पैचेस थोड़े से लगाए गए हैं और जो कि शिफॉन और जॉर्जेट के जो दुपट्टे होते हैं गर्मियों में, उसके लिए ज़रा अच्छे रहते हैं कि वो ज़्यादा उड़ते और तंग नहीं करते। और ये जो ड्रेस है ये डार्क ग्रे कलर का है और ग्रीनिश ग्रे आप कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और इसका बैंड बना हुआ है ऊपर और खूबसूरत पाइपिंग के साथ जो है इसकी नेक बनाई गई है। स्लीव्स पर भी ये ग्रीन नेट जो है एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस शामिल किए गए हैं और सामने ये रेड लेस जो है इस तरह शर्ट के सामने फ्रंट पर भी पूरा जो है वो पैच ऐड किया गया है, जो बहुत प्यारा लग रहा है। इसका ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है और दुपट्टा भी प्यारा सा जॉर्जेट का है और उस पर भी बहुत ही रिफ्रेशिंग सा उसका प्रिंट है और उसकी साइड्स पर भी पैच ही लगाया गया है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपने ड्रेसेस लूँ और अपनी अम्मी के ना लूँ, ये दोनों ड्रेसेस अम्मी के हैं। दुपट्टे पर बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी है, ये जॉर्जेट शिफॉन का है और शर्ट का लाइट कलर है और इस पर भी एम्ब्रॉयडरी है और ये अनस्टिच्ड हैं। और अम्मी का दूसरा ड्रेस जो है ये ब्लू कलर का है और ऑफ वाइट कलर की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है इसकी नेक के ऊपर। माशाल्लाह, मेरी अम्मी थोड़ी और बहन ज़्यादा लगती हैं, इसलिए मैं उनके लिए ऐसे ही कलर ख़रीदती हूँ। शर्ट के सामने ये पैच लगेगा दामन के ऊपर और इस पर भी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है और ट्राउज़र इसका प्लेन ही है।
और अब करते हैं अपनी कुछ दिल की बातें जो मैं आज के ख़ास दिन पर अपनी तमाम बहनों से करना चाहती थी कि अल्लाह ताला ने हमें जिस मुल्क में पैदा किया है वो तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन खुदा ने जो हमें एक माँ होने का रुतबा दिया है वो बहुत ही बड़ा है। तो बजाय इसके कि अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त हम अपनी मायूसियों और नाकामियों या मुल्क के निज़ाम को कोसते हुए गुजारें, हम क्यों ना वही वक्त अपने बच्चों को दें, उन पर मेहनत करें, उनको अच्छी तालीम दें ताकि वो इस मुल्क और हमारी हर मायूसी को कामयाबी में बदल दें। यकीन करें, अगर हमारे मुल्क की माएँ ही सिर्फ ये अहद कर लें कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देंगे तो किसी की जरूरत नहीं कि हमारे मुल्क की तरफ कोई आँख उठा कर भी देखे। ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही बल्कि दुनिया की हर माँ को कह रही हूँ कि वो अपना ज़्यादा वक्त जो है अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर लगाए। और दूसरा, आप कोशिश किया करें कि अपनी बच्चियों को मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाकया ज़रूर पढ़ने की आदत डालें ताकि उनके यहाँ रिस्क की कभी कमी ना हो और वो जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है हाइट इंक्रीज़ के लिए बेस्ट ड्रिंक्स के बारे में, तो बेल आइकन को भी याद से हिट कर लें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करती जाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।